हेलो एवरीवन, देखिए एसएससी सीपीओ के एग्जाम्स आने वाले हैं और हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी मैथ्स की, जिसमें दो क्लासेस आपकी हो चुकी हैं और ये तीसरी क्लास है। इसमें हमने सीरीज में जहां पे क्वेश्चन छोड़ा है उसी के आगे करवाएंगे। ये कंप्लीट एक सीरीज है जिसमें करीब 200 क्वेश्चंस होंगे, तो वो ये वही क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं या जिनके आने की पॉसिबिलिटीज़ है। मैथ्स में हर टाइप के क्वेश्चंस जो बहुत ही डिफरेंट हैं या फिर कई बार पूछे जा रहे हैं, उनको हमने ज़रूर लिया है। मैं अंजलि शर्मा आपको टिप्स और ट्रिक्स के साथ अब वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आप बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ शॉर्टकट फॉर्मूले हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए कि ये हमारी थर्ड सीरीज है और इसमें क्वेश्चन जो हमने 22 पहले कराए थे, अब इसमें 23rd क्वेश्चन से देख लीजिए। और जो 22 क्वेश्चन है उसका जो वीडियो का जो लिंक है वो उसके डिस्क्रिप्शन पे हम दे देंगे, उसको ज़रूर देख लीजिएगा और आई बटन में भी दे देंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23rd है, ये है जो क्वेश्चन। इसमें द प्रोडक्ट ऑफ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 780, मतलब एक ट्राइंगल है जिसका प्रोडक्ट साइड का प्रोडक्ट दे रखा है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस इज 13, और इन रेडियस और सर्कम रेडियस क्या होता है पहले तो ये समझ लीजिए। जैसे कोई भी एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसके अंदर एक सर्कल बना है, तो ये सर्कल का जो रेडियस है ये हो गया इन रेडियस, यानी स्मॉल आर मान लिया हमने, और इसी सर्कल के वर्टेक्स से होते हुए एक सर्कल और बनेगा, ठीक है, और इसका जो रेडियस है ये कैपिटल आर है, ठीक है। तो ये हो गया सर्कम रेडियस, ये हो गया इन रेडियस, और इसके साइड को सपोज ए बी सी एज्यूम कर लिया, और इसमें अब क्या क्या दे रखा है और क्या पूछा गया है, और ये क्वेश्चन 2-3 बार आया, बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले तो हमने एक फिगर बना दिया, अब इसमें क्या दिया है, तीनों को प्रोडक्ट दिया है, ए बी सी इज इक्वल टू 780, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस, यानी आर इंटू कैपिटल आर इज इक्वल टू 13 दिया है। आपको निकालना क्या है, पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। पेरीमीटर मीन्स क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों साइड का प्लस जो है वो निकालना है आपको, ठीक है। एक्सप्लेन करके समझाऊंगी इसलिए टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, बट आप समझ जाएंगे तो उसको जल्दी भी कर पाएंगे। इसके लिए आपको ये दो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, आर इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस, और कैपिटल आर इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आ गया है और ये 11th क्लास में फॉर्मूला है, ये तो थोड़ा हाई लेवल भी लेकर के जा रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे R इंटू R दे रखा है, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि R इंटू डेल्टा, R इंटू कैपिटल R इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन S इंटू ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब क्या करना है, इसको डेल्टा से डेल्टा कैंसिल हो गया, बचा क्या, ए बी सी अपॉन एस, 4s, ये 4 भी बचेगा, और इधर r इंटू आर, ठीक है, r इंटू आर की वैल्यू है 13, अब हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, और ए बी सी दे रखा है 780, तो 780 अपॉन 4s, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 13 इंटू 4s इज इक्वल टू 780, तो s कितना आ जाएगा, 780 अपॉन 13 इंटू 4, ठीक है। अब इसे कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 60, और इससे कट करेंगे 15, यानी s की वैल्यू जो है वह 15 आ गई। और s इज इक्वल टू, और भी एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ठीक है। तो आपको a प्लस बी प्लस सी निकालना है, यानी a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 2s, ठीक है, यानी 2s आप निकाल देंगे तो आपका वही आंसर होगा। तो s की वैल्यू आपके आगे 15, आप इसी में 2 से इंटू कर देंगे तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 15 इंटू 2 मतलब 30 आंसर हो गया, इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, ये डिफरेंट फॉर्मूला है और ये 2-3 बार पूछा गया है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट एंड राइट एंगल एट ए एंड पी। पहले हम फिगर भी बनाते जाते हैं, दो ट्राइंगल हैं, राइट एंगल किस पे है, ए पे, तो ए बी सी ले लें, और दूसरा ट्राइंगल है
पी क्यू आर और पी पर राइट एंगल है, पी क्यू आर, ठीक है। अब क्या दे रखा है, बी सी 13 दे रखा है, यानी ये 13 दे रखा है, पी क्यू 5 दे रखा है, और बताना ए सी है, ए सी मतलब ये डिस्टेंस बतानी है, क्लियर। तो पहले हमने ट्रायंगल बना लिया। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मीन्स क्या होता है, जितनी डिस्टेंस ये होगी वही, ये मतलब ये साइड इसकी इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी और ये साइड इसके इक्वल होगी, ठीक है। जब ये 5 है तो ये भी 5 होगा, आपको निकालना ये है। तो ये वैल्यू उठा के हमने यहाँ रख दी। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे और इससे हम ये डिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि 90 डिग्री दे रखा है राइट एंगल एट दिस, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, मतलब दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर होता है, तो इसी से हमने निकाला ये स्क्वायर इज इक्वल टू इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को माइनस कर देंगे। अब क्या करना है इसमें, देखिए हमने बी सी की वैल्यू लगा दी 13 का स्क्वायर और इसकी लगा दी 5 का स्क्वायर, यानी 169 में से 25 माइनस कर दिया, तो ये कितना आ गया ए सी स्क्वायर। तो ए सी कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 144 आएगा, और ये किसका स्क्वायर रूट होता है 12, इसका स्क्वायर रूट होता है 12, ठीक है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जैसे क्वेश्चन है आपका 25, कॉस 36 माइनस ए कॉस 36 प्लस ए कॉस 54 प्लस ए, ये सब में डिग्री लगा हुआ है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जब ऐसे कभी क्वेश्चन आते हैं तो हो सकता है कि ये वैल्यू 36 से अगर माइनस करें 90 से माइनस करें तो ये वैल्यू आ जाए, या इसको 90 से माइनस करें तो ये आ जाएगी, यानी कि दोनों सेम वैल्यू हो जाएगी अगर 90 से माइनस करेंगे, ठीक है। तो 90 से अगर हम 54 को माइनस करते तो यहाँ पे कितना बच जाता है, यहाँ पे बचता 8, 3, 36 बच जाता है, यानी कि 90 से जब इसको माइनस करेंगे तो 36 बचेगा। अब हम इसको कैसे लिखेंगे ये देख लीजिए, इसको हम लिख देंगे कॉस 36 की जगह हम लिख देंगे 90 डिग्री माइनस 54 माइनस ए, ठीक है। अभी हमने सिर्फ इसको ऐसे लिखा है, और इसको कैसे लिखेंगे, 90 माइनस 54 प्लस ए, ठीक है। अभी हमने सिर्फ 36 के जगह पे क्या लिखा है, 90 डिग्री माइनस 54, ठीक है। और इसको हम एज इट इज उतार देंगे, कॉस 54 डिग्री प्लस ए और कॉस 54 डिग्री माइनस ए, ठीक है। अब आपको क्या करना है ये समझ लीजिए, कॉस 90 माइनस थीटा, अब इसमें से माइनस अगर हम कॉमन लेंगे तो 90 माइनस थीटा, थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और 90 में चेंज हो जाता है, तो कॉस का चेंज हो जाएगा साइन में, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन, और यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 54 माइनस माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा तो ये बच जाएगा। अब ऐसे ही इसको क्या लिखेंगे, साइन, अब जब इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा 54 माइनस ए, और इसको हम ऐसे ही उतार देंगे, कॉस 54 प्लस ए और इनटू कॉस 54 माइनस ए। अब देखिए ये एक फॉर्मूला बन गया, क्या साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला एक बन गया, जो ये फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो यानी कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया ये, ठीक है। तो कॉस ए माइनस बी का क्या मतलब हुआ, 54 प्लस ए माइनस 54 और ये माइनस ए, ठीक है। अब ये बन गया, फॉर्मूले में पुट कर दिया। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, यानी कि कॉस 0 डिग्री। अब कॉस 0 क्या होता है, कॉस 0 1 होता है, इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। यानी ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं वो ज़रूर आप याद कर लीजिएगा, और इसका वीडियो का जो लिंक है वो आई बटन में भी देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी देंगे, आई बटन में भी दे देंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट ए। अब देखिए एक ट्राइंगल बनाएंगे सबसे पहले ऐसे, ठीक है, और राइट एंगल एट ए बी सी, ये 90 बन गया। अब मिड पॉइंट ये दे रखा है बी सी का डी, और ये ऐसा दे रखा है, ठीक है।
ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है 10, ए बी दे रखा है 10 और ए सी भी 10 दे रखा है। डी सी निकालना है, मतलब ये वैल्यू आपको डी सी निकालना है, एक सेकेंड, ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ये इसको एक्स मान लो, ये निकालनी है आपको, ठीक है, क्लियर। यानी कि ये इसका मिड पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, पहले पाइथागोरस थ्योरम से पूरी निकाल लेंगे। तो यानी पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएंगे तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ठीक, यानी 100 प्लस 100 यानी कि 200 बी सी स्क्वायर हो जाएगा। तो बी सी कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 200 मीन्स हो गया 10 रूट 2, ठीक है, 10 रूट 2 क्या होगा, बी सी पूरा होगा। अब तुम्हें वैल्यू निकालनी है डी सी की, यानी कि यहां से यहां तक, तो इसका हाफ होगा, तो इसका आधा कर दो, तो डी सी कितना हो जाएगा, डी सी हो जाएगा इसी का आधा, ये निकट गया, आंसर क्या आ जाएगा, 5 रूट 2, यानी डी सी की ये डिस्टेंस हो गई, ठीक है। क्वेश्चंस डायरेक्ट ना आकर के कुछ कुछ घुमा घुमा के आ रहे हैं कई बार, ये देख लीजिए 27th क्वेश्चन, टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 500 फॉर 4 ईयर्स एंड 200 फॉर 7 ईयर्स, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है, टोटल दे रखा है, यानी कि अगर हम इसको ले लें सिंपल इंटरेस्ट, यानी 1 प्लस सिंपल इंटरेस्ट यानी कि 2 इज इक्वल टू, टोटल दे रखा है 170, ठीक है, तो पी आर टी बाई 100 है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए इसमें जब हम लगाएंगे तो पी क्या होगा आपका 500, आर आपको निकालना है, टी कितना होगा 4 ईयर्स अपॉन 100 प्लस, अब यहाँ आ जाएगा 200 आर टाइम 7 अपॉन 100 इज इक्वल टू 170। इतना समझ में आ गया, सिंपल फॉर्मूले में वैल्यू पुट किया। अब देखिए एलसीएम ले लेंगे 100 और उसको कट कर दें, एलसीएम भी ना लीजिए तो आप एक काम करिए, ये 00 से 00 दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हो गया 5 और 20 20 आर प्लस 7 दूनी 14 14 आर इज इक्वल टू 170 और दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 34 आर इज इक्वल टू 170, आर कितना होगा 170 अपॉन 34, अब से कट हो जाएगा 17 एकम 17 17 दूनी 34, 5% आंसर आ गया, रेट इसका डायरेक्ट निकल गया, यानी कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आते हैं, बट अगर आपको बेसिक क्लियर होंगे, फॉर्मूले याद होंगे, तो आप इजीली क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। 28 में क्या है कि देखिए, ये देखिए शॉर्टकट तरीका है के स्क्वायर माइनस 2, और ये कब लगता है, इसकी पूरी लिस्ट होती है, वो हम आपको एल्जेब्रा के जब टॉपिक कराएंगे तो उसमें दे देंगे, ठीक है। इसमें देखिए कि एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू, अगर जो भी वैल्यू दे रखी है, और एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 निकालना। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहां सिंगल x है, मतलब पावर केवल 1 है, ठीक है, तो हम पावर 2 निकालने के लिए कैसे करेंगे, इसमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा, k स्क्वायर का मतलब ये k है, 5 स्क्वायर माइनस 2 यानी 25 माइनस 2 यानी कि 23 हो गई इसकी वैल्यू, ठीक है। अब इसी का 4 निकाला, क्योंकि यहां पर क्या है, पावर 4 है, तो अब हमको फिर से यही फॉर्मूला लगाना है ना कि k की वैल्यू ये लेनी पड़ेगी, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कितना हो जाएगा, 23 स्क्वायर माइनस 2 यानी हो जाएगा 529 माइनस 2 दैट विल बी 527, मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट है। तो आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, और ऐसे ही और भी फॉर्मूले हैं, तो एल्जेब्रा का जो लिंक है वो भी हम आई बटन में भी देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी देंगे, देख लीजिएगा उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए जैसे कि ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 7 है, और यहाँ माइनस लगा है, इसको निकालना है। इस वाले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ भी प्लस था, यहाँ भी प्लस था, और जब यहाँ पर हमें माइनस निकालना होगा तो हम फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे, रूट के स्क्वायर माइनस 4। अब के क्या हो गया 7, अब देखिए डायरेक्ट अगर हमें फॉर्मूला याद होगा तो हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 49 माइनस 4 रूट 45, मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है, कंडीशन भी याद करनी पड़ेंगी। अब जैसे क्वेश्चन नंबर ये है, द हाइट एंड रेडियस ऑफ अ कोन आर इक्वल एंड स्लैंट हाइट इज 5, तो कोन दे रखा है ना, हाँ, तो कोन पहले हम बना लें, ठीक,
और इसमें क्या क्या दे रखा है, दी हाइट एंड रेडियस, अगर ये आर है तो ये भी आर हो गई, ठीक है। स्लैंट हाइट 5 दे रखी है, वॉल्यूम निकालना है, वी इजिकल टू क्या होता है कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये दोनों इक्वल हैं तो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू आर, यानी 1/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब हम आर निकालेंगे और यहाँ पुट कर देंगे, तो आर कैसे निकलेंगे, सब पाइथागोरस लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम या फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर इजिकल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये होता है स्लैंट हाइट का फॉर्मूला, पाइथागोरस ही लग रही है इसमें, तो 5 स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि आर 2r स्क्वायर इजिकल टू 25, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 25/2, और r क्या हो जाएगा रूट 25/2, मीन्स 5/√2, ये हो गई r की वैल्यू, ठीक है। अब ये r यहाँ पुट कर देंगे और जो भी आएगा आपका वही आंसर है, तो यहाँ भी जब हम पुट करेंगे वैल्यू और इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, पाई की वैल्यू 22/7 और 5/√2 का होल क्यूब करके सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही आंसर होगा, ठीक है, इसको कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल टू 5/4, साइन ए इंटू कॉस ए निकालना है। देखिए यहाँ प्लस दे रखा है, यहाँ मल्टीप्लाई दिया है, सिंपल है, इस तरह के क्वेश्चन को स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे और निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन ए कॉस ए इजिकल टू 25/16, इधर भी स्क्वायर हो गया। अब ये वैल्यू तो होती है 1, क्योंकि आइडेंटिटी होती है, ठीक है। अब बस हमको इसको कैलकुलेट कर लेना, सिंपल आंसर हमारा निकल आएगा 25/16। अब ये 1 इस साइड चला जाएगा, यानी कि 2 साइन ए कॉस ए इजिकल टू 25/16 माइनस 1, टेक एलसीएम, 25-16 इजिकल टू 9/16। अब साइन ए कॉस ए निकालना था आपको, तो क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए इजिकल टू 9/16 और इंटू 2, यानी कि 9/32, ये आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर प्लस में वैल्यू दी है और इंटू निकाली तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, और अगर माइनस में भी यहाँ दी होती तब भी हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते और डायरेक्ट निकाल लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। अब 32 देखिए कितना ईजी है, यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर भी साइन है, ये 25 है, 65 है, इसका मतलब 90 से अगर हम 65 को माइनस करेंगे तो 25 बच जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसका आंसर 1 होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा। फिर भी हम एक लाइन को सॉल्व कर देते हैं, जैसे साइन स्क्वायर 25 को क्या लिखेंगे, 90-65 प्लस साइन स्क्वायर 65, ये एज इट इज उतार दिया, ठीक है। आप क्या कर देंगे, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस 65 डिग्री स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री, और ये 1 होता है, आंसर ये हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है, बहुत ध्यान से देखिएगा इसे। इसमें क्या करना है, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 12 and 2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है, HCF और इनटू, एक मिनट हम पहले वैल्यू लिख लेते हैं, HCF दे रखी है, LCM दे रखा है 12, HCF दे रखा है 2, ठीक है, और मीन निकालना है नंबर्स का। अब अगर मान लो कि नंबर्स है A और B, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, A इंटू बी निकालना है। पहला नंबर अगर A माना, दूसरा नंबर B माना, और उसी का मीन क्या होगा, रूट ए बी होगा, तो पहले हम ए बी की वैल्यू निकाल लें। क्या होता है फॉर्मूला, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एच सी एफ इंटू एल सी एम, ये होता है फॉर्मूला। तो ए इंटू बी इज इक्वल टू 12 into 2, मतलब 24 हो गया, ठीक है, और ये निकल गया किसकी वैल्यू, ए बी की, और आपको निकालना क्या है, मीन, मीन का मतलब हो गया इसी का स्क्वायर रूट, रूट 24, ठीक है,
तो कितना हो गया ये 6 चौक 24, यानी 2√6 इसका आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर बार पूछा जाता है, तो इसको जरा ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल्स राइट ट्राइंगल इज 7। पहले हम लिख लेते हैं जो जो दिया हुआ है, यानी कि A1 upon A2 दे रखा है, एरिया 7/5। द रेशियो ऑफ देयर हाइट इज, यानी H1 upon H2 दे रखा है, 3/5। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर बेस, तो बेस यानी B1 upon B2 निकालना है। ठीक है, तो एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल राइट ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम ये वाली इक्वेशन लेते हैं तो इससे फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 1/2 बेस हो गया B1 और हाइट हो गई H1 अपॉन, नीचे का क्या होगा, 1/2 B2 इंटू H2 इज इक्वल टू 7/5, क्योंकि हम सिर्फ इसको लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। अब देखिए B1 by B2 आपको निकालना है, तो B1 by B2 हमें निकालना है और H1 by H2 की वैल्यू क्या दे रखी है, 3/5। ठीक, अब B1 upon B2 कैसे निकलेगा, 7/5 × 5/, इसका ये इधर जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/3, ये कैंसिल हो गया, यानी कि 7/3 ये इसका रेशियो हो गया, यानी कि 7:3 आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि जो क्वेश्चन में दिया है आप उसको लिखते जाइए, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा, कई बार क्वेश्चन में फिगर बना के भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35, ए कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, बी कंप्लीट इन 20 डेज, विद द हेल्प ऑफ सी दे कंप्लीट दैट वर्क इन 5 डेज। ए अकेले कितने दिन में करता है, 12 दिन में, बी करता है 20 दिन में, तीनों मिलके करते हैं 5 दिन में। अब सी का बताना है कितने टाइम में करेगा, तो सी सपोज एक्स डेज में करेगा। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे कैसे इसको, देखिए ए 1/12 प्लस बी, या हम ऐसे लिख लेना ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का वर्क जो कितना है 1/5। ए करता है 12 दिन में, बी करता है 1/20, सी करेगा सपोज एक्स। अब हमको सिंपल इसको सॉल्व करके एक्स निकाल लेना है, वही आंसर होगा। अब इसे कैसे करेंगे ये देख लो। ठीक है, पहले इसमें एलसीएम ले लो, तो कितना हो जाएगा, 12 × 5 = 60, 5 + 3 प्लस 1/x = 1/5। ठीक है, ये 8 हो गया, 8/60 प्लस 1/x = 1/5 कटेगा किससे, 4 × 4 = 8, 4 × 1 = 4, 5 × 6 = 4 × 5 = 20, 2/15, यानी कि कितना हो जाएगा ये, 1/x = 1/5 - 2/15। ठीक है, 15 एलसीएम ले लिया, 5 × 3 = 15, तो x कितना आ गया, ये आ जाएगा 1/x = 1/15, तो x कितना आ गया, मतलब 15 दिन में कर लेगा C। ठीक है, या फिर आप इसको सिंपल ही सॉल्व कर देते, सारी वैल्यू को इधर लाके माइनस करते, मतलब आपको बस इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 35 क्वेश्चन इसमें हो गए, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाएंगे। देखिए हमने जो सीरीज स्टार्ट की है ये थर्ड सीरीज थी, अब इसके आगे के जो क्वेश्चन है यानी 36 से, वो आपको नेक्स्ट सीरीज के वीडियो में करवाएंगे। ये वीडियो मैं यहीं ओवर करने जा रही हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फॉर सिलेक्शन, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।